हाय एवरीवन, मैं अवनी एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों को पैन पिज़्ज़ा बनाने की रेसिपी बताऊंगी। लास्ट वीक जब मैंने पिज़्ज़ा बनाया था तो बहुत लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि उनके पास ओवन नहीं है तो क्या बिना ओवन के पिज़्ज़ा बन सकता है। कुछ लोगों के पास ये क्वेश्चन था कि उनको ईस्ट आसानी से नहीं मिल पा रही है तो क्या बिना ईस्ट के हम पिज़्ज़ा बना सकते हैं। तो मैंने इन दोनों को ही कंबाइन कर दिया है। तो आज मैं आप लोगों को बिना ओवन के और बिना ईस्ट के पिज़्ज़ा बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं अपनी इस वीडियो को। और प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप आगे से और भी अच्छी अच्छी वीडियोस देख पाएँ। थैंक यू सो मच। पैन पिज़्ज़ा बनाने के लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है, जिसमें 1 टेबल स्पून आप नमक डाल दें, 1/2 टेबल स्पून बेकिंग सोडा डाला है मैंने और 1/2 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर डाला है। इसके बाद 1 टेबल स्पून मैंने इसमें शुगर डाला है और इसको मिक्स कर दें। इसके बाद इसमें 3 टेबल स्पून मैंने ऑयल का यूज़ किया है, अगेन मिक्स को मिक्स कर दें। अब मैं इसके अंदर दही डालूँगी। इसमें को मैंने 4 से 5 टेबल स्पून मैंने इसमें दही का यूज़ किया है। इसके बाद हम इसको एक आटे की तरह गूँथ लेंगे। जितना हम इसको गूँथ सकें उतना हम इसको गूँथेंगे, और अगर कुछ रह जाता है गूँथना तो हम गरम पानी का यूज़ करेंगे और फिर इसको गूँथेंगे। गरम पानी या फिर एक गुनगुना पानी जो होता है, हम उससे इसको गूँथेंगे। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा ऑयल लेकर और इसको गूँथना शुरू करेंगे, और हम इसको तब तक गूँथेंगे जब तक कि इसकी सारी जो क्रैक्स हैं आटे में वो ख़त्म नहीं हो जाती। इसको हमें काफ़ी लंबे टाइम के लिए रखना पड़ता है, तो मैं इसको 7 से 8 घंटे के लिए उठाकर एक वार्म प्लेस पर रखूँगी। ध्यान रखें कि कम से कम 7 से 8 घंटा ज़रूर इसको रखें। ये देखिए, अब मैं इसको रख दूँगी। 7 से 8 घंटे बाद मैंने इसको निकाला है और ये देखिए, अब इस तरीके से ये एक डो की फॉर्म में आ चुका है और बहुत ही अच्छे से हो गया है ये। और ये एक तरीके से बिल्कुल हमारे पैन पिज़्ज़ा के लिए बिल्कुल तैयार हो गया है, बिल्कुल रेडी है। और इसको गूँथ लेंगे हम लोग, थोड़ा सा एक बार गूँथ लें, ज़्यादा नहीं गूँथना है। ऑयल लगाकर हम इसको एक रोटी की तरह बेल लेंगे। देखिए, इसके बाद मैं एक फॉक लूँगी और उसकी मदद से हम इसमें थोड़ा से निशान कर देंगे। हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि इसमें एयर अच्छे से पास होती रहे। इसके बाद मैंने पैन को गर्म कर लिया है और इस पर हम अपने पिज़्ज़ा के बेस को हम रख देंगे और इसको हम थोड़ा सा पकने देंगे। ढककर मैंने इसको रखा है और एक तरफ से जब ये अच्छे से पक जाए तो हम इसको पलटकर दूसरी साइड कर देंगे। ये देखिए, एक तरफ से ये अच्छे से पक चुका है, इसको दबा दें। और हम इस तरफ मैं पिज़्ज़ा सॉस लगा दूंगी। पिज़्ज़ा सॉस की आप वीडियो मेरे चैनल पर देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और इसको अच्छे से हम पिज़्ज़ा सॉस को लगा देंगे। इसके बाद आप शिमला मिर्च डाल दीजिए, कुछ प्याज डाल दीजिए, या फिर अगर आप कुछ और चीज़ का बनाना चाहते हैं तो जैसे बेबी कॉर्न हो गया या फिर कुछ और भी चीज़ जो आप यूज़ करना चाहते हैं वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। इसके बाद इसमें चीज़ हम डाल देंगे, स्प्रिंकल कर देंगे थोड़ा सा। जितना चीज़ आपको पसंद हो उस हिसाब से आप चीज़ डालिए और इसको ढककर रख दें और ताकि ये अच्छे से पकना शुरू हो जाए। मैंने साइड कॉर्नर्स में इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है ताकि नीचे से जो हमारे जो बेस है वो भी अच्छे से पक जाए। ये लीजिए, हमारा पिज़्ज़ा तैयार हो गया है। नीचे से बेस भी इसका कम्प्लीटली पक चुका है और अब इसको उतार लेंगे। ये लीजिए, पिज़्ज़ा तैयार हो गया है और ये बिल्कुल वैसे ही टेस्ट आता है इसमें जैसे हम ओवन में बनाते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी हो और मैं आशा करती हूँ कि आप जो पिज़्ज़ा बनाएंगे वो भी बहुत ही टेस्टी बनेगा। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप आगे से और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ देख पाएँ। थैंक यू सो मच। बाय बाय।